हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल डार्क सीक्रेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा डेली एक ना एक आपको हेयर ग्रोथ के लिए वीडियोस आराम से मिल जाएंगी। हम हमारे चैनल पर हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल और हेयर प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी वीडियोस के साथ सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर के आते रहते हैं। सो आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन बाल बढ़ाने के नुस्खे, बालों को लंबा घना बनाने के नुस्खे, बालों को झड़ने से रोकने के नुस्खे और बालों से संबंधित जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं उनसे सारे जो भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं आपको मिल जाएंगे। हम आपके लिए देसी नुस्खे और घरेलू नुस्खे लेकर के आते रहते हैं, जिनके निरंतर और कंटिन्यू उपयोग से आप अपने बालों को बहुत तेजी से लंबा घना मजबूत कर सकते हैं। साथ ही साथ बालों की समस्याएं जैसे झड़ते बाल, रूसी वगैरह और दो मुए वाल आदि समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल मुफ्त है। ऐसे ही हम आपके लिए आज एक अच्छा सा घरेलू नुस्खा लेकर के आए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि कैसे नुस्खा तैयार करना है, कब तक यूज करना है और कैसे इसको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरसों ऑयल। सरसों ऑयल जो है ना सिर्फ खाना बनाने और मालिश करने के काम आता है, यह जो है आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। तो सरसों ऑयल जो है आपके बालों को थिक यानी मोटा घना करने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप अपने बालों को थिक और मोटा करना चाहते हैं, घना और मोटा करना चाहते हैं, तो यह जो है आपके लिए बिल्कुल एकदम सही है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो यह जो है आपके बालों को मोटा घना करता है, साथ ही साथ लंबा करने में भी आपके बालों को मदद करता है। तो आपको करना ये होगा कि यह जो है आपको किसी किराना जनरल स्टोर से या फिर आपके घर पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप इसको ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, बशर्ते यह किसी अच्छे ब्रांड का हो। तो आपको जो है एक कटोरी की हेल्प और एक चम्मच की हेल्प लेनी है। आपको जो है एक चम्मच और एक कटोरी से, तो एक चम्मच हम यहाँ पर ले लेंगे सरसों ऑयल। तो यहाँ पर देखिए एक चम्मच हमने यहाँ पर सरसों ऑयल ले लिया है, तो ले लेंगे। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हम यहाँ पर एक और चीज लेंगे, एक और जो चीज हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो गाइस वो उसको ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो है हमारे नुस्खे में, हमें यहाँ पर ले रहे हैं देखिए कोकोनट ऑयल, यानी हम यहाँ पर ले रहे हैं नारियल का तेल। नारियल का तेल आपको आपके घर के आसपास अवेलेबल हो जाएगा और इंडिया में मतलब भारत में तो यह लगभग सभी घरों में मिल जाता है। और यह जो है एक नॉर्मल मतलब बोल सकते हैं कि आसानी से मिलने वाला कोकोनट ऑयल, जो ये जो तेल है बहुत आसानी से इंडिया में मिल जाएगा और बहुत ही सस्ता भी ये होता है। तो यह जो है आपको ले लेना है किसी किराना जनरल या फिर किसी भी मेडिकल शॉप से, यह आपको मिल जाएगा। तो यह जो है बहुत ही फायदा करता है और एज ए सब्स्टिट्यूट मतलब आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज कर सकते हैं। यह जो है बहुत ही फायदा करता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। तो हम यहाँ करने वाले हैं इसको ले लेंगे हमारे नुस्खे को तैयार करने के लिए। हम इसमें एक चम्मच कोकोनट ऑयल ले लेंगे, तो आप एक कटोरी और एक चम्मच की हेल्प से एक चम्मच आपको जो है कोकोनट ऑयल यानी यहाँ पर नारियल तेल ले लेना है। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पर ले ले रहे हैं एक चम्मच कोकोनट ऑयल। तो ये एक चम्मच कोकोनट ऑयल हमने यहाँ पर ले लिया है। हमारे आज के नुस्खे को तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ ऑयल्स लिए, मतलब दो तेल लिए हैं। तो अब जो है आप जो हमने यहाँ पर जो है एक एक चम्मच ही ऑयल लिए हैं, आपको जो है बराबर मात्रा में लेना होगा ऑयल्स। आप चाहें तो दो दो चम्मच, तीन तीन चम्मच या फिर चार चार चम्मच भी ले सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें आप इन दोनों को जो है आपको बराबर यानी समान मात्रा में लेना होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। जब आप दोनों को बराबर मात्रा में ले लेते हैं तो आपको दोनों को मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे दोनों ऑयल को, और ये जो मिश्रण तैयार होता है दोनों ऑयल का, ये हमारा आज का नुस्खा है। तो यह जो है बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा आपके हेयर्स के लिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इसको यूज कैसे करना है आपको। ये देखिए ये जो हमारा नुस्खा तैयार तो हो चुका है, अब इसको यूज कैसे करना है।
तो आपको करना ये होगा कि इसको यूज करने से पहले आप अपने बालों को किसी गीले टॉवल या फिर किसी साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, जिससे आपके बालों में लगा धूल धुआं डर्ट जो है वो हट जाएगा। जब आपके बालों में से गंदगी निकल जाएगी तो आपके बाल जो है नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अब आपको इसको आपकी बालों की जड़ों से लेकर सिरे तक लगाना है और बालों की जड़ों में मसाज करनी है 10 से 15 मिनट तक। तो आप हल्के हाथों से आपके बालों की जड़ों में मसाज करें, बहुत ही तेजी से नहीं करें, या फिर बालों पर लगाते टाइम इसको बहुत ही तेजी से ना रगड़ें। हल्के हाथों से मसाज करनी है और हल्के हाथों से ही रगड़ना है। चाहे तो आप इसको रात में लगा सकते हैं या फिर आप सुबह लगा सकते हैं, बट आप जब लगाएं तो इसको 2 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें। उसके बाद चाहे तो आप पानी से धो सकते हैं या फिर कंडीशन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, बालों को शैम्पू ना करें। आप जो ये नुस्खा तैयार करा है हमने उसको लगाने के बाद, इस बात का ध्यान रखें कि शैम्पू ना करें। आप चाहें तो कंडीशन कर सकते हैं। यह आप हफ्ते में 3 से 4 बार दोहराएंगे और 1 महीने तक आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ जो है बहुत ही अच्छी और बहुत ही तेजी से होने लग जाएगी। आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे, घने, मजबूत होने लग जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बालों को तेजी से घना, मोटा, लंबा करने के लिए वीडियोस और हेयर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में नए नुस्खे के साथ में। थैंक यू।